डब्ल्यू की तैयारी अगर कोई बच्चा पहली बार कर रहा है तो वो कैसे तैयारी करे उसकी? डब्ल्यू की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उसमें दो कैटेगरी के बच्चे हैं। एक तो जी ऐसे हैं जो अभी एक्सपीरियंस्ड है, किसी की बीएससी हो गई, किसी की एमएससी हो गई, हो सकता है किसी की पीएचडी भी हो गई हो, जी और बहुत सारे बिल्कुल प्रेशर है जो भी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं। जी तो दो चीजें हैं, तो जो नए लड़के हैं उनको तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान जी के जनरली, एक चीज मैंने और अभी नोटिस की, कल मैं शाम को किसी से बात कर रहा था, साइंस के जो लड़के होते हैं उनको जीके का फियर रहता है कि हमको तो जीके आता नहीं। जबकि मैं हाँ अगर बड़े नाम मेंशन करूँ ना, तो जैसे राजस्थान में जितने, जैसे राजवीर सर अभी स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में आरएस की कोचिंग कराते हैं, वो बंदा मैथमेटिक्स का बंदा है, हिस्ट्री हाँ सबसे बढ़िया पढ़ा रहा पूरे राजस्थान में। सही बात तो है। साइंस के जो बच्चे हैं वो आर्ट वाले बच्चों से बहुत अच्छे से जीके, हिंदी या आर्ट के सब्जेक्ट को आप लोग समझ सकते हो। बस आप अपने दिमाग से इस गलत फहमी को निकाल दो कि जीके आपके लायक नहीं है। 30 प्रश्न ही आएंगे ना, तो जीके आप आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। जीके में भी कितना, जीके में आपको बताता हूँ सर, राजस्थान जीके में इनका पॉलिटिकल साइंस नहीं है, इनके जी इकोनॉमिक्स तो है ही नहीं जो नहीं समझने वाली बात होती है, केवल इनके कल्चर है, आर्ट कल्चर का पोर्शन थोड़ा ज्यादा है, और जी थोड़ा सा इनके हिस्ट्री का सिस्टम है। जी हिस्ट्री जी में भी कुछ नहीं, जो मेन मेन राजा है उनको आप लोग कर लो तो जीके जो है एग्रीकल्चर के कंपेरेटिवली इजी आता है सर, मतलब इतना बिल्कुल नहीं। और सही आपके बात है। ज्योग्राफी आती है, और जीके इतना तो आपको आना ही चाहिए। अगर आप नौकरी नहीं भी लग रहे हो ना, तो इतना बेसिक डेटा आपको आना चाहिए ताकि समाज में आप किसी से बात करने लायक हो जाओ। तो इसीलिए तो ये डाल रहे हैं ताकि आपके राजस्थान में कहीं भी पोस्टिंग हो तो आप राजस्थान को तो अनकंफर्ट फील जानो। नहीं करो। हाँ, आप कई हाँ बार नए लड़के आते हैं उनको पता ही नहीं होता राजस्थान के बारे में, राजस्थान के कल्चर को जानना अपना काम है। सही बात है तो विभाग ने बड़ा सोच समझ के, डिपार्टमेंट ने जो है ये सिलेबस आरपीएससी ने सेट किया है, जी। तो ये आपको बिल्कुल जीके इजी है, आप लोग आराम से कर सकते हो। दूसरा, और मैं आगे सर आपको हाँ उत्तर देता रहूंगा। जी यस जी अब कई बार बच्चों को ये रहता है, उससे पहले आपकी बात पे मैं जाऊंगा, जी अपने यहाँ पे योगेश जी सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं, जी वो बहुत ही जबरदस्त पढ़ाते हैं, बहुत शानदार पढ़ाते हैं, लेकिन वो भी बीएससी किए हुए हैं, जी जी टीचर है वो बीएड पर जाए, सर बहुत बढ़िया बच्चों को जो है वो पढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी ठान ले तो जी सर कुछ भी असंभव नहीं है, और विशेष तौर के साइंस का बच्चा जो है आराम से कवर कर सकता है। एग्रीकल्चर वाले को ही हम साइंस मान रहे हैं क्योंकि आपका सब्जेक्ट कृषि विज्ञान है, जी ध्यान सर एक रखना। सेकंड, मैं आपको रोकना चाहूंगा। जी मैंने 2018 का पेपर दिया था ना, तो मैं हिंदी भाषा का, मेरी फेवरेट भाषा हिंदी है, और जीके का मैं बड़ा थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि दो पेपर हुए थे, एक तो एग्रीकल्चर का हुआ था, एक जीके का हुआ था। तो जी मेरी जीके हिंदी में हमेशा से रुचि रही है, तो हाँ हाँ जीके हिंदी वाले पेपर में मैं राजस्थान में टॉपर था, बहुत बढ़िया और बहुत जो बढ़िया सर एग्रीकल्चर बहुत वाला जो बढ़िया। पेपर था ना, जी उस जी एग्रीकल्चर वाले पेपर में हो सकता है कि मेरे ठीक नंबर थे, मतलब कम नहीं थे लेकिन अच्छे बने थे, लेकिन जी उसमें मैं टॉपर था। तो जीके हिंदी में भी तो साइंस का स्टूडेंट था एक तरीके बिल्कुल से, बिल्कुल सही तो बात इस है। प्रकार से आप लोग अच्छा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और ध्यान रखना, भीलवाड़ा में रायपुर एक जगह है, वहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, वहीं से सर 12th पास आउट है। जी सर मतलब आप भी कोई प्राइवेट या टॉप स्कूल या इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से नहीं है, बिल्कुल गांव से बिलोंग करते हैं।